अस्सलाम वालेकुम। मैंने थोड़ा वक्त पहले एक वीडियो डाला था, वो इंग्लिश में। तो इमीडिएट कोई हमारे एक फेसबुक फॉलोअर जो है एक मैसेज डाले कि क्या भाई साहब आप उर्दू नहीं जानते, क्या हिंदी नहीं जानते क्या करके। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो डाल रहा हूँ अभी उर्दू और हिंदी में, क्योंकि मैं मद्रासी होने से मेरे तलफ़ुज़ जो है थोड़ा मद्रासी रहेगा, तो आप लोग बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मेरा मैसेज ये है, आज जब मैं मार्केट गया था वहाँ कोई लड़का जो है वहाँ बीफ के दुकान से कुछ खरीद रहा था। मैंने उनको जाकर इंटरव्यू किया, करने के टाइम में उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा उसका नाम है सचिन करके। तो वो गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, मगर बीफ खरीद रहा है। तो मैंने उससे पूछा तुमको ये बीफ अच्छा लगता है क्या करके, तो उसने कहा हाँ मुझे अच्छा लगता है और हम लोग उसको रोस्ट खाते हैं करके, रोस्ट करके। तो उसने एक और मैसेज दिया कि बीफ के नाम से लोग नहीं लड़ना चाहिए और हम सब जी रहे हैं और अच्छे तरीके से जीना चाहिए करके, वो एक बात कहा। तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ये किया कि इंशाल्लाह हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे पूरे इंडिया में, आप लोग बीफ स्टॉल चले जाइए, मटन स्टॉल चले जाइए, नहीं तो होटल के अंदर चले जाइए, वहाँ जाके वहाँ के जो कस्टमर से आप लोग इंटरव्यू कीजिए। इंटरव्यू करके आप लोग ये पूछिए कि आप रेगुलरली बीफ खाते हैं क्या नहीं करके, उनसे पूछिए। अगर वो लोग हाँ कहेंगे तो भी अच्छा है, ना कहे तो भी अच्छा है, जो भी मैटर है वो पब्लिक को मालूम होने दें। तो जहाँ तक हमारे इल्म में है, हमने ये देखे कि ये केरला में बहुत सारे लोग गैर मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम्स हिंदू लोग जो हैं वो लोग भी बीफ खाते हैं, केरला हाउस करके एक फेमस मशहूर है। और उसके अलावा गोवा में स्टेपल फूड है, रेगुलरली खाने का खाना जो है बीफ है। और यहाँ तमिलनाडु में भी दलित लोग और हिंदू लोग खाते हैं और क्रिश्चियन भी खाते हैं, मुसलमान भी खाते हैं, और नागालैंड तो आप लोग जानते हैं। तो अक्सर लोग जो है इंडिया में बीफ खाते हैं, मगर अभी अचानक मुसलमानों को टारगेट बनाने के लिए, निशानी बनाने के लिए ये बीफ को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम लोग जो है बेस्ट थिंग अभी जो करने का क्या है, लोगों को हकीकत समझाना चाहिए। तो इसके लिए जाके पब्लिक को जाके मिलिए और पब्लिक से आप इंटरव्यू कीजिए और लोगों को मालूम होने दें कि असल में क्या है, असलियत कर है करके इंशाल्लाह।